ये कैसे मार दिया बिना ऑक्सीजन के दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ के अपने भाई हैं उनके दलालों के में चले गए उसको मार दिया ऑक्सीजन नहीं लगाया कोई सुई नहीं दी आपका लाइट कम हो गया कोई बात नहीं मेरा लाइट कितना देखिएगा ये देखिए ये दो भाई की मौत दानापुर में हो गई दानापुर के रेलवे जो करबी गैया में है एक भाई कोरोना से डेथ कर गया दूसरा भाई वहीं पर भाई के मरने के बाद हार्ट अटैक कर गया और लोग मत आइएगा भाई इधर बैठ जाइए ये देखिए वहीं बैठ देख रहे हैं अब दो तीन बात समझिए पहली बात यह समझिए कि ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है थोड़े देर चुप रहेंगे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बाईपास में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल को छोके जिसकी का रेपुटेशन है जो कंप्लीट रेस्पेक्टेबल है मैं उसकी बात नहीं करूंगा बहुत क्लियर है लेकिन बाईपास में और जिसके पास सही कागजात नहीं है लगभग 80-85% जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो मौत का खूनी खेल खेल रहा है मौत का सौदागर है बहुत गंदा खेल खेलने का प्रयास किया है और 1,00,000 रुपया थाना को ये लोग हर प्राइवेट हॉस्पिटल देता है 1,00,000 हर प्राइवेट हॉस्पिटल के का जितना गोरख धंधा है वो थाना के संरक्षण में होता है और थाना खुली छूट थाना जो है वो धमकाता है पेशेंट के अटेंडेंट को पेशेंट को डर से कोई बोलता नहीं है अस्पताल के खिलाफ ऑक्सीजन प्रयास में नहीं था उसके बावजूद प्रयास कोरोना पॉजिटिव को वहां रख रहा है हम महिला आयोग के जाएंगे मानवाधिकार में भी जाएंगे मेरा सीधा आरोप है कि सरकार किस आधार पे बिना कागज के सोचे समझे पटना के डीएम साहब से हम आग्रह करेंगे डीएम साहब और स्वास्थ्य सचिव से आग्रह करेंगे हे स्वास्थ्य सचिव जी स्वास्थ्य विभाग का काम धन लूटना नहीं है धन पशु बनना नहीं है स्वास्थ्य विभाग कीलर विभाग हो गया है उसका नाम कीलर विभाग रख दिया है मौत का सौदागर बहुत क्लियर एनएमसीएच में कोई ना जाए और मैं आग्रह करूंगा पटना और बिहार की जनता से अपने घर में इलाज कराएं अस्पताल में ना जाएं ऑक्सीजन की व्यवस्था घर में करें और नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करेंगे 5 किलो अनाज के बदले हम सब नेता को 10-10 केजी अनाज देंगे आप कुछ मत करिए आप ऑक्सीजन जीवन रक्षक दवाई डॉक्टर्स और आम लोगों की जिंदगी बचाने की व्यवस्था कर दीजिए कोलैप्स हो चुकी कोई फोन नहीं उठता एनएमसीएच में
सुपरिटेंडेंट मनमानी करता है, वो सिर्फ हिटलर के तरह कागजी अखबारी फोन उठा के रख दिया गया। कोई नर्स नहीं है, 7 दिनों से कोई डॉक्टर जाते नहीं है, और डॉक्टर साहब लोग आरएमडीसीआर का रिपोर्ट लगाकर पॉजिटिव हो जाते हैं। लगभग डॉक्टर कहते हैं कि मैं आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो गया। कर्मचारी का भी वही हाल है। और सबसे बड़ा बात सुने मंगल पांडे जी, वार्ड बॉय 10,000-4,000 रुपया लेकर के सारा एनएमसीएच के लोगों ने आज टीवी पर कहा, चैनल पे, कि हमसे 4,000-10,000 रुपया लेके भर्ती करता है, नर्स और कोई नहीं होता और हमको छोड़ देता है, मरने के बाद सारे पेशेंट ने कहा कि हमको कहता है खुद ले जाए, जबकि सरकार कहती है मैं ले जाऊंगा। एक भी लैट्रिन बाथरूम साफ नहीं, कोरोना से पहले हैजा से मर जाएंगे लोग। हालात अच्छे नहीं हैं। एनएमसीएच में ताला लगा देना चाहिए या एनएमसीएच को आर्मी के हवाले कर देना चाहिए, मजिस्ट्रेट के, दरोगा के हवाले नहीं। ये लोग उल्टे पेशेंट को धमकाते हैं। एनएमसीएच में ऑक्सीजन नहीं होती है, सिर्फ अलॉटमेंट का संख्या गिनाया जाता है, ऑक्सीजन नहीं लगाए जाते। आधा घंटा 40 मिनट ऑक्सीजन कुछ लोगों को लगा करके ऑक्सीजन बाहर कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। फिर मैं कह रहा हूं पटना की जनता से, मुझे आपकी चिंता है, मैं आपके बेटे के तरह हूं, मैं आपका सेवक हूं, मुझे हर घर के बच्चे, मां, पति, भाई और बहन की चिंता है। यदि जान बचाना हो तो आप इस तुच्छे टाइप के अस्पताल में ना जाए, अपने घर में इलाज कराएं। एक आर्मी मैन की बेटी ने आज कहा बहुत क्लियर, बहुत क्लियर, आर्मी मैन की बेटी ने कहा, हम पारस गए लूट लिया, पारस के बाद एक कौन सा न्यू सेंट्रल में हमसे 2 लाख लेके भगा दिया, और जब हम आर्मी अपने पिता को लेके हम आए एनएमसीएच, तो 3 दिनों से एक भी डॉक्टर हमें नहीं देख रहा है, हमको छोड़ दिया। हमारी स्थिति बहुत बुरी है। इसी तरह विधानसभा के पदाधिकारी को गैस ऑक्सीजन के बगैर मार दिया, विधानसभा के 2-2 ड्राइवर का पूरा परिवार संक्रमित हो गया, जो राबड़ी देवी के साथ भी सबके साथ रहा, उसको कोई देखने वाला नहीं है, अभी वो आए हुए हैं। ये सवाल है, अस्पताल मारती तो है ही, धन भी लेती है, जान भी लेती है, धन और जान और ईमान दोनों खत्म करती है। हम पीएमसीएच को आईजीएमएस के तट पर ऑटोनोमस अस्पताल बनाने की मांग करते हैं, पीएमसीएच को ऑटोनोमस बॉडी का डिसीजन लेकर के ऑटोनोमस करें। बहुत क्लियर है, हम और 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर 30 लाशें गई है एनएमसीएच में,
30 लाख से नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे, मंगल पांडे भाई से, सभी नेताओं के रिश्तेदारों को एनएमसीएच में भर्ती कराइए। मैं जानना चाहूंगा कि भारत में कई प्रतिशत नेता कोरोना से शिकार हुए, 0.3 भी नहीं, लेकिन भारत के लगभग मिडिल क्लास और गरीब और आम आदमी प्रभावित भी हुए और मर भी गए। क्या कारण है? रेमडेसिविर लेने के बाद वीडियो की मौत, सीओ की मौत, फिर ये रेमडेसिविर डॉक्टर लिखते क्यों हैं? इस पर बैन क्यों नहीं लगती? 6 डोज के बाद वीडियो की मौत, हमसे लगे बेचारे 6 डेज। वैक्सीन के बाद 50-60% लेंस संक्रमित हो गया, यदि 50 से ऊपर लेंस संक्रमित हो गया तो उसको रेमडेसिविर नहीं पॉजिटिव कर सकता। वीडियो की मौत रेमडेसिविर के बाद क्यों? सीओ की मौत रेमडेसिविर के बाद क्यों? ये सवाल मेरा बहुत क्लियर है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी, 20,000, 10,000, 40,000 में लोग खरीद रहे हैं छोटा बड़ा सिलेंडर। अभी तक 30 सिलेंडर हमने 20,000 में खरीदे पड़े और फिर 100 सिलेंडर का ऑर्डर दिया हूं, 20,000 से नीचे नहीं। आखिर ऑक्सीजन होता तो फिर आम लोग सिलेंडर क्यों खरीदते? ऑक्सीजन के लिए लोग पागल क्यों हैं? हाजीपुर, आरा, सभी जिलों से पप्पू यादव को, आईआईटी का एक लड़का जो सिल्लीगुड़ी में अपनी मां के लिए तरस रहा है, हमको ऑक्सीजन दे दो। अभी बिहार की सबसे मजबूत गायक हमारी नेहा राठौर की भाई रिलेटिव बैठे हैं परेशान, उनकी मां सीरियस है, कोई पूछने वाला नहीं। सासाराम के अस्पताल में चली गई, ऑक्सीजन का क्या होगा? नीतीश जी कहते हैं मैं फ्री है आपके पास। नीतीश जी आईजीएमएस में रेड जोन, येलो जोन, आईसीयू, एचडीयू, वाईपे, वेंटिलेटर सब मिलाकर 400 बेड है। मत रेड जोन, येलो जोन, आईसीयू, एचडीयू, वाईपे, वेंटिलेटर, जनरल वार्ड ऑक्सीजन सहित 60-100 बेड रेमडेसिविर बाहर से लोग खरीदते हैं। 30 वेंटिलेटर है आपके पास, मत 30 वेंटिलेटर, पीएमसीएच जनरल वार्ड ऑक्सीजन सहित 150 वेंटिलेटर, 20 एनएमसीएच जनरल बेड ऑक्सीजन सहित 350 वेंटिलेटर, 150 एम्स पटना बेड ऑक्सीजन 300 वेंटिलेटर, 30 रात में मिथिलेश दुबे बगल में सत्यम रात के 2 बजे हमें वेंटिलेटर लेके आना पड़ा, बक्सर के थी, उनके लिए बड़े बड़े पत्रकार ट्वीट कर रहे थे, सिर्फ ट्वीट करते हैं जान नहीं बचाते, टैग करते हैं मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, जान नहीं बचाना है। और वेंटिलेटर नहीं लेके हम जाते, 1 घंटे में वो कलर्स कर जाते। 34 साल का लड़का यहां पर पदाधिकारी है, आज ये जो पुल बन रहा है,
एफकॉन एफकॉन में सीएम है वो लड़का, उसकी पत्नी बेहोश, क्या स्थिति है भाई नीतीश जी? आप कहां से फ्री में इलाज करेंगे जब आप ऑक्सीजन नहीं दे सकते, रेमडेसिविर नहीं दे सकते, तो फ्री में इलाज क्या? जब आप कुकुर मुत्ता के तरह इस अस्पताल को बेच नहीं कर सकते, पैसे लेते हैं आपके ड्रग्स इंस्पेक्टर, आपके पदाधिकारी, आपका थाना, और फिर लोगों के जान का सौदा करता है ये लोग, मौत का सौदागर, किलर है किलर। एनएमसीएच कोई मत जाइए, ये हम जानना चाहेंगे, ये आपके पास लगभग सभी लोग कहते हैं कि ये दवाई सबसे इंपॉर्टेंट, और उसके बाद अब डॉक्टर क्या लिख रहे हैं वो देखिए। डॉक्टर लिख रहे हैं जान बचाने के लिए एक जापान की कंपनी, आश्चर्य होगा उसका, देख जापान की कंपनी उसको डॉक्टर लिख रहे हैं वैक्सीन इन 50,000 इसका दाम है 50,000 टोकिलिज्म इंजेक्शन, टोकिलिज्म इंजेक्शन ये ऊपर में लिखना शुरू कर दिया। अब कह रहे हैं कि यदि आपको जान बचाना हो तो टोकिलिज्म लीजिए। अभी दैनिक भास्कर की बड़े रिपोर्टर जिनको जिनके परिवार के लिए लिखा गया है टोकिलिज्म, और ये इंडिया से आउट ऑफ मार्केट है, 1 तारीख के बाद आएगा और इसकी मार्केटिंग शुरू हो गई। टोकिलिज्म, यदि जान बचाना हो तो एक डोज ये नहीं लीजिएगा तो जान नहीं बचेगा, इसीलिए मेरा सीधा आरोप है कंप्लीट गवर्नमेंट ने नरसंहार किया, सिस्टम के कारण ये मौत चारों तरफ हुई है। अविलंब स्वास्थ्य विभाग के सारे पदाधिकारी को बदलना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए और इंक्वायरी सेटअप करना चाहिए कि बिहार के किसी अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं है, ऑक्सीजन क्यों नहीं है, बेड क्यों नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी से हम आग्रह करेंगे बिहार को ऑक्सीजन की खपत जितनी है उसका एक हिस्सा भी ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर की जरूरत जितनी है उसका 1.3% भी वेंटिलेटर हमारे पास नहीं है, और जितना बेड चाहिए हमारे पास उसका 7.2% ही बेड है। हम जानना चाहेंगे क्या बिहार के आम आदमी के जिंदगी को बचाने के लिए बिहार को ऑक्सीजन नरेंद्र मोदी जी आप आपूर्ति करेंगे कि नहीं, और ये झुट्ठा का सरदार बेमान का ये जो डेली 29,000 रेडिमेसर आएगा, अरे ओ दादा चोर चोर मोसेरे भाई, मुंह से बोलते हैं कि किसी और चीज से क्या हुआ रेमडेसिविर, ब्लैक मार्केटर के हाथ में पूरा का पूरा रेमडेसिविर
63,000, 65,000, 20,000, 24,000, 52,000. अब हमारे पास लोग रेमडेसिविर, डॉक्टर ने कह दिया रेमडेसिविर आउट ऑफ इंडिया, और जब नेपाल जाता हूं तो एक रेमडेसिविर का फाइल 22,000, 23,000, और बाय पेपर मिलता है पप्पू यादव धरान में, विराटनगर में. नेता ट्वीट का खेल खेलते, रणछोर घर छोर, ये चोर चोर एक अन्य मार्ग में कैद, एक फॉर्म हाउस में कैद. बिहार की जनता भगवान भरोसे, बारे बिहार, हमें लगता है कि इस कोरोना को भी दल में बदल दिया गया, और जनता को चाहिए अब कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है. जो भाजपा के लोग हैं वो कमल छाप सूंघ ले, ठीक हो जाएंगे. जो लालटेन के लोग हैं वो लालटेन सूंघ ले, ठीक हो जाएंगे. और जो जदयू के लोग हैं वो तीर छाप अपने बच्चों को, अपनी मां को सुंघा दे, ठीक हो जाएंगे. इन नेताओं ने मान लिया है कि हमारा कमल सूंघ लो, किसी की मौत नहीं होगी. इसीलिए हम सारे प्राइवेट नर्सिंग होम जो लगभग जिसके पास कागज नहीं है, बाईपास में है, अन्य जगह है, उसको बैन करने की मांग करते हैं. साथ साथ कोरोना का इलाज वहां नहीं होना चाहिए, अविलंब इंक्वायरी की मांग करते हैं हम एनएमसीएच को लेकर, और अविलंब सबेरा प्रयास और अन हॉस्पिटल की जो मौत हुई है उसका हम इंक्वायरी चाहते हैं. ब्लैक मार्केटिंग जो ऑक्सीजन और अनचीट रेमडेसिविर और जीवन रक्षक दवाई की हो रही है, उस पर अविलंब रोक लगे. पटना की जनता को ऑक्सीजन मिले, मैं ऐसा चाहता हूं. उसकी जान माल की हिफाजत के लिए जन अधिकार पार्टी मरकर जीकर तैयार. धन्यवाद. नेहा सिंह राठौर लाइव आकर रोती है, विपक्षी सरकार से गुहार लगाती है. आज उनका भाई आप तक पहुंचा क्या, आपके कब की जाएगा? रिश्तेदार हैं, नेहा सिंह जी से मेरी सुबह बातचीत हुई. उन्हें डॉक्टर ने कह दिया रेमडेसिविर यदि आप ले आते हैं तो जान बच जाएगी मौत. मैंने कहा ऐसा नहीं है, यदि आप अंधमाई, यदि आपको फेथ हो गया कि डॉक्टर ने यह कह दिया तो निश्चित रूप से मेरा दायित्व तो बनता है उनकी माँ को बचाना. जब मैं कॉमन मैन और हर की माँ मेरे लिए माँ है, तो नेहा की माँ भी पप्पू यादव की माँ, उस पर कोई बहस नहीं. सर, सीरम इंस्टीट्यूट जिसने कोविशील्ड बनाया है उसने कहा है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो वैक्सीन का रेट है वो भारत में प्राइवेट अस्पताल ले रही है, अमेरिका से भी ज्यादा. मैं तो कह तो रहा हूँ प्राइवेट अस्पताल जान भी और माल भी, धन भी और जान भी, पूरा जिंदगी कोलैप्स कर दिया प्राइवेट अस्पताल. प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ जंग लड़ने की जरूरत है, आर पार युद्ध लड़ने की जरूरत है. लेकिन सैया भेल कोतवाल तो अब डर का है का, जब प्राइवेट अस्पताल की पूरी वसूली सरकार तक पहुंचेगी, नेताओं तक और पूरी स्वास्थ्य विभाग तक, तो फिर कौन रोकेगा? और पब्लिक की दुर्दशा है, कहा पर करूं सिंगार पिया मोरानर, जिसको चुनाव जिताती है वो धृतराष्ट्र बन जाता है. फिर कहा पर करूं सिंगार, फिर मौत तो होना ही है. नीतीश कुमार आज बोल रहे हैं कि आईएमएस में जो भी इलाज हुआ उसका खर्च जो है सरकार. भैया मैं नीतीश कुमार जी से कह दिया कितना बेड है, 40 बेड उनके रेड जोन, येलो जोन, आईसीयू, एचएसडीयू और वाइपो. मैं तो कह दिया नीतीश कुमार को हिम्मत है तो चैलेंज स्वीकार करे. वहां रेमडेसिविर नहीं मिलता है, वेंटिलेटर 30 है,
5-5 किलो अनाज कल से मिलेगा भैया। 64,000 करोड़ रुपया की कृपा, फिर अगले तरफ 20,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे, ये 5 किलो चावल नेताओं को दे दीजिए, जनता पर कृपा ना करिए, 6,000 रुपया गरीब और मिडिल क्लास को आप उसके अकाउंट में डालिए, और उसका माँ उसका बेटा उसका पिता बच जाए, बस इसकी उपाय करिए, नौकरी और मजदूरी करके भी खा लेगा बच्चा। लाश गया था मेरे सामने, 12 लाश थे, 12 लाश आज रेलवे हॉस्पिटल में हर दिन 7-8 मौत होती है। दोनों भाई मर गया, एक भाई कोरोना से, दूसरा भाई के मरते हार्ट अटैक करके गिर गया, कोई पूछने वाला नहीं था, ये हालात थे। सर आम आदमी की बात करिए, जो प्रशासन में हूं आम आदमी की बात करिए। मैंने पहले कहा कि नेताओं की संख्या क्या है, आम आदमी कोई कोरोना क्यों,